हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अभिषेक, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूँगा कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी 26,146, उसमें आज डबल हो चुकी है भाई लोग। तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर उसको देख लीजिए गूगल या वेबसाइट, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर। 26,000 से आपको जो वैकेंसी थी वो 46,000 कुछ हो चुकी है। तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको और तेज़ी से कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन का, जहां पहले 26,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला था, अब 46,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। लड़कियों के लिए भी खुशखबरी है, उनका जो फीमेल्स के लिए जो कि जितनी वैकेंसी थी उनकी भी सीट डबल हुई है, पूरी इंक्रीज़ हुई है। तो आप लोग जाकर सरकारी रिजल्ट या फ्री जॉब अलर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, आपको खबर मिल जाएगी। फिर एसएससी के वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, तो उसमें भी वो नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एसएससी जीडी जो 2024 की जो वैकेंसी थी 26,146, वो आपकी 46,326 हो चुकी है टोटल वैकेंसी, जिसमें मेल और फीमेल्स की सारी फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी हम लोग जानते ही होंगे, नारकोटिक्स, एनसीबी नारकोटिक्स का जो होता है, और सारी वैकेंसीज में डबल, सारी वैकेंसीज बढ़ी है। ये ना कि केवल एक वैकेंसी किसी एक फोर्स में ही सभी सीट बढ़ी है, नहीं, सारी वैकेंसी में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है सभी में सीट बढ़ी है, सभी में इंक्रीज हुआ है। जो लोग जिसमें उनका मन था, जिसको ज्वाइन करने का जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, वो लोग अच्छे से प्रेफरेंस कीजिए, जो सच में रियली कहाँ चाहते हैं कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत डबल हो चुकी है। आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि आप लोग, मतलब जहाँ पहले 26,000 लोगों का सिलेक्शन था, वहाँ 46,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। ये आप सोच सकते हैं, जो कंपटीशन जो इतना हार्ड था वो कंपटीशन और इस बार के 2024 के जो एग्ज़ाम होगा इसमें बहुत कम हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों लड़कियों का जॉब होगा इस बार, तो बहुत सारे अपने सर्विस को प्राप्त करेंगे वो लोग, अगर अच्छे से पढ़े और अच्छे से मेहनत किए तो। अब ये ना हो कि एग्ज़ाम में पास होगा और फिजिकल में जाकर फेल हो जाए, तो फिजिकल में पास हो जाए तो मेडिकल में जाकर फेल हो जाए, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा, तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। फेल तो होते हैं, हर फेल होंगे ही, बहुत सारे लड़के फेल भी होंगे, इतने लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, लेकिन कुछ लड़के पास भी होंगे, कुछ लड़कियाँ पास भी होंगी इसमें, तो जो पास होंगे उनके लिए बहुत, वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें जो जो पास होना चाहती है इस बार 24 के, क्योंकि देखो भाई लोग, इस बार इलेक्शन भी ख़त्म हुआ है, वैकेंसी भी दबा कर आई है, और फिर आगे वैकेंसी रुक जा भी, फिर आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं कोई ठीक नहीं है, लेकिन आएगी वैकेंसी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वैकेंसी फिर आएगी कि नहीं कोई ठीक नहीं है, इसलिए अभी आई है, अभी मौका है आपको। देखो भाई, आपको एक सीट के लिए फाइट करना है, आपको एक ही नौकरी चाहिए ना, ये नहीं कि आप तो अकेले 10 वैकेंसी, 10 सीट लोगे नहीं, 10 फोर्स में लोगे नहीं, आपको किसी एक फोर्स में एक ही नौकरी चाहिए। तो एक ही के लिए इतना पढ़ो कि आपको फिर वो सोचना ना पड़े कि मैं एग्ज़ाम पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, ठीक है, ये गलती ना करें। एग्ज़ाम खैर हो चुका है, एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन जो रिज़ल्ट निकलने वाला है, और जो फिज़िकल का है, फिज़िकल का अच्छे से तैयारी कीजिए, और मेडिकल के लिए भी अपने आप को फिट रखिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए, कहीं कुछ गलती ना हो, ठीक है। बस आप लोग जल्द से जल्द, मैं अभी इस रात को इसलिए यही वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी सोया हुआ था तो मुझे पता चला कि, तो फिर मैं उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद देखा, पहले बता दूँ, उसके बाद फिर अपना काम किया जाएगा। कल सुबह मुझे भी थोड़ा जाना है जल्दी, तो बस आप, बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेन मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि हाँ, वैकेंसी जो है वो डबल हो चुकी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। जय हिंद।